नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 11 Pro 5G versus OnePlus Nord CE 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.39 इंच जबकि CE 4 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि CE 4 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 11 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि CE 4 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 11 Pro 5G में 181 ग्राम्स जबकि CE 4 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:1:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 11 Pro 5G में 90.06% जबकि CE 4 5G में 88.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 24 mm फोकल लेंथ कैरेट 1.56 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1 माइक्रो एम पिक्सल साइज 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 16 mm फोकल लेंथ कैरेट 4.0 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1.12 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज 32 MP 2.0 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 47 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.7 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 0.8 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज देखने को मिलता है। और CE 4 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE 4 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और CE 4 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में Mali G610 MC6 जबकि CE 4 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200Z और CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 11 Pro 5G में 12 GB जबकि CE 4 5G में 8 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 11 Pro 5G में 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि CE 4 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में नहीं है, जबकि CE 4 5G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में
एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Reno 11 Pro 5G में 4600 mAh जबकि CE4 5G में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Reno 11 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,190 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CE4 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Reno 11 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।